हेलो क्लास, आज मैं आपको हिंदी वसंत में पार्ट आठ शाम एक किसान पाठ के विषय में बताऊंगी, जिसके लेखक हिंदी साहित्य के महान रचनाकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको इससे पहले खंड के विषय में बताया था, उसका वर्णन किया था कि कवि ने प्रकृति का वर्णन बड़े ही मनोरम ढंग से किया है। आज मैं आपको इसका जो अंतिम खंड है उसके भावार्थ के विषय में बताऊंगी। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी सुनते हो, चिलम औंधी धुआं उठा, सूरज डूबा और अंधेरा छा गया। तो इसमें कवि ने बताने का प्रयास किया है कि जैसे पहले खंड में बताया था कि दृश्य बड़ा ही मनोरम था, हर तरफ उन्होंने क्या है उपमा अलंकार का प्रयोग किया है, पहाड़ की तुलना किसान से की है, और उसमें बताया है जो आकाश होता है उसकी तुलना साफे से की है, नदी की तुलना पैरों पर पड़ी चादर से की है। ठीक है, तो अब बताया इस ये जो दृश्य था बहुत ही लुभावना था, लेकिन अचानक से क्या हुआ, बीच में एकदम ऐसा लगा जैसे सन्नाटे में शांति छाई हुई थी वो भंग हो गई हो। कैसे हुई कि अचानक से मोर बोल उठा, जैसे किसी ने कहा हो सुनते हो, ठीक है, अचानक से मोर बोल उठा और शांति भंग हो गई। फिर सारा दृश्य क्या हुआ, किसी घटना में बदल गया, जैसे कोई घटना घटी हो, जैसे सूरज की चिलम किसी ने उलट दी हो, ठीक है, ऐसा लगा जैसे सूरज की चिलम की अचानक से किसी ने उलट दी हो और जलती आग बुझने लगी हो और धुआं उठने लगा हो। असल में क्या हुआ था, अब सूरज डूब रहा था, ठीक है, सूरज क्या था वो डूब रहा था और चारों तरफ अंधेरा छा रहा था, अर्थात मोर के बोलने के साथ ही सूरज डूब गया और हर तरफ अंधकार ही अंधकार छा गया। तो पहले वाले खंड में उन्होंने बताया है कि प्राकृतिक दृश्य का बहुत ही अच्छा वर्णन किया है, बहुत ही मनोरम वर्णन किया है, हर तरफ शांति है। और दूसरा वाला जो दृश्य इन्होंने बताया है कवि ने कि अचानक से शांति थी लेकिन मोर के बोलने के साथ ही शांति अचानक भंग हो गई, हर तरफ जो सन्नाटा छाया हुआ था वो एकदम से भंग हो गया हो और अचानक से किसी ने पुकार दी हो कि जैसे सुनते हो, जैसे मोर बोला तो ऐसा लगा जैसे बीच में किसी ने टोक दिया हो कि सुनते हो, फिर क्या हुआ इसके साथ ही सूरज डूब गया और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया। तो इसके साथ ही हमारा ये पाठ समाप्त होता है। अगले वीडियो में मैं आपको इससे अगले पाठ के विषय में बताऊंगी। धन्यवाद।